बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, ये गाड़ी है टोयोटा लैंड क्रूजर, ठीक है। ये मेरे पास आ गया दूसरी वर्कशॉप से। ये देखो, इसका सामान खुला हुआ है, ठीक है। इसका सब खुला हुआ है, ये हम लोग देख रहे होंगे अच्छे से। गाड़ी में मसला जो आ रहा है, कस्टमर बोल रहा है कि ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, ठीक है। ये देखो, मैंने इसका ब्रेक पुश किया, यहाँ ग्रीन लाइट नहीं आ रही और ये अंदर से स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है। मैंने इस गाड़ी को स्कैन किया, अभी जस्ट अभी हुई है स्कैन, देख लेता हूँ कोड का क्या इसके अंदर। हमारे से रिलेटिव कोई कोड है क्या? बीसम में है ये कोड, स्ट्री में है पी सिग्नल का। एंट्री स्टार्ट में कोड है नो रिस्पॉन्स फ्रॉम स्टीयरिंग लॉक ईसीयू, ये भी कोड स्ट्री में है। इस गाड़ी में यही कोड है जो आप लोग अपने यहाँ देख रहे हो, ठीक है। एक ये है AGW में एसेसरी गेटवे में रिमोट इंजन स्टार्टर ईसीयू मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप, ये कोड भी स्ट्री में है। वैसे कर दे हम क्लियर, किधर देख करके देखते हैं कोई कोड आता है कि नहीं आता है इंशाल्लाह। मेरे पास गाड़ी दूसरी वर्कशॉप से उसने सब खोल रखा और हाँ, उसने मुझे ये बताया कि मैंने इसका स्ट्रिंग लॉक चेंज किया। ये देखो स्ट्रिंग लॉक का है, वो कहीं बता रहा था, यहीं रखा हुआ गाड़ी के अंदर ही, शायद इसके अंदर रखा हो। हाँ ये रहा, ये देखो, ये उसने नया मंगाया है स्टीयरिंग लॉक, उसने ये भी चेंज किया बट प्रॉब्लम सेम है, उसने मुझे ये बताया है जहाँ से मेरे पास गाड़ी आई है, ठीक है भाई। अभी कोड देख लेते हैं हम, गाड़ी में कोई कोड नहीं है, ठीक है। ये मैंने यहाँ ब्रेक पुश किए, यहाँ ग्रीन लाइट नहीं जली, ठीक है। गाड़ी बोल रहा है बाहर से स्टार्ट हो रही है, बाहर से कहाँ से हो रही है? वो बोल रहा है ये रिले है, इस रिले को निकाल के अगर आप सेल्फ को डायरेक्ट करंट देंगे गाड़ी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यानी बाहर से गाड़ी स्टार्ट हो रही है, हमारा मेन काम क्या है अंदर से करना है स्टार्ट इसको, ठीक है। हाँ, उसने रिले चेंज कर दी इधर किधर इधर किधर, ताकि चला क्या पता रिले ख़राब हो। ये देखो, ये रिले है ST कट की, ST की यानी स्टार्टर की, ठीक है। एक रिले ये ST कट की यहाँ लगी हुई, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ उससे करते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। गाड़ी में कोड नहीं है, जो कोड थे स्ट्री में थे किधर हो गए कोड। गाड़ी बंद करते हैं, यहाँ मैंने गाड़ी बंद की, यहाँ मैंने ब्रेक पुश किए, यहाँ ग्रीन लाइट नहीं चली, बस चाबी ऑन हो गई, ठीक है। इससे पहले हाँ देखो, स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है, ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी, बस स्टार्ट हो रही है। अब हम इसके बाद चेक करेंगे गियर पोजीशन। ये देखो, ये अभी पी पे है, यहाँ पी है, ये आर पे आ गई, ये यहाँ एन पे है, यहाँ देखो एन की लाइट नहीं आई, डी आ गई एन, ये देखो यहाँ गियर एन पे है, ठीक रहो। अब मैं करता हूँ इसको आर पे, ये देखो आर पे आ गया, यहाँ आर शो कर रहा है, ठीक है, एन शो नहीं कर रहा है यहाँ, ठीक है। बट गाड़ी ना एन पे स्टार्ट हो रही है, अब पार्किंग पे हो गई, देखो यहाँ पार्किंग शो कर रहा है, नहीं पार्किंग पे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एक बार ये गियर पोजीशन सेंसर देखते हैं इसका लैब डाटा में, फिर आप लोग साथ शेयर करते हैं। डाटा में खोल लिया है सिस्टम गियर का, गियर कहाँ कहाँ है, कौन कौन सा ऑन होगा, ठीक है। अभी गियर पार्किंग पे है, देखो अभी मैं करता हूँ इसको आर पे, ये देखो आर ऑन हो गया, ठीक है। अब करता हूँ इसको एन पे, एन यहाँ ऑफ बता रहा है, ठीक है। देखो यहाँ गाड़ी एन पे है, यहाँ लाइट शो कर रही है एन की, और यहाँ एन ओ बता रहा है। अब इसको डी पे करते हैं हम, देखो डी ऑन हो गया, ठीक है। अब इसको करते हैं हम पी पे, पी ये देखो पी ऑन हो गया, ठीक है। अब फिर करते हैं इसको हम एन पे, ये गाड़ी एन पे हो गई है, एन ओ बता रहा है यहाँ, ठीक है। यहाँ भी लाइट शो नहीं कर रही है, तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, उसमें मसला कहाँ है शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, चेक करके स्टेप बाय स्टेप, ठीक है फ्रेंड्स।
गाड़ी बाहर से स्टार्ट हो रही है, अंदर से स्टार्ट नहीं हो रही है, यहाँ ग्रीन लाइट। सबसे पहले हमारा काम है चेक करने का गियर पोजीशन सेंसर, ठीक है। ये वो सेंसर लगा हुआ है, आप लोग जानते ही है, ठीक है। और कस्टमर बोला मैंने चेंज कर लिया, ये जो गाड़ी लगा है मेरे पास। चलो मुश्किल नहीं है, देखते हैं एक बार, हम भी चेंज करके देखेंगे। ये मैंने सेंसर का सॉकेट निकाल लिया, ये रहा, ठीक है। मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया इसकी एक एक पिन देखो देखो निकाल निकाल के। बहुत सी बार ऐसा होता है कि पिन लगी रहती है, दिखने में लगी रहती है, और पिन इसकी निकल जाती है। ये देखो, ये देखो, अरे यार दो पिन निकल गई। चलो मुश्किल नहीं है, मुझे पता है कौन कौन से कहाँ आएगी। ये देख रहे हो आप, इसके दोनों पिन बाहर है, 100% इसका यही मसला है। और भी देखेंगे पिन स्टेप बाय स्टेप निकाल निकाल के, भाई इसके दो पिन बाहर है, ठीक है भाई। आप लोग देख लो, इसमें जो ये वायर है शायद वाइट वाली वायर है जो एन की है, ये वाली वायर, ठीक है। इसको रिपेयरिंग करते हैं और इंशाल्लाह देखते हैं गाड़ी का मसला हल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, हर एक वीडियो में कि ट्यूट अलग इस गाड़ी की, ये पिन देखो निकाल के स्टेप बाय स्टेप, ये पिन ऐसा रहता है ऐसा लगी हुई हो पर ये बाहर निकली रहती है, ठीक है। ये देखो भाई, वायर मैंने जोड़ दी है, ठीक है, सोल्डिंग वगैरह कर दी है, ये मैंने बाहर निकाल लिया था ताकि अच्छे से वेल्डिंग हो जाए इस पर, क्योंकि वहाँ स्पेस कम था, ठीक है। ये मैंने दोनों बार जोड़ दी, देखो आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम गाड़ी के ऊपर और देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं होती अंदर से। अभी फिलहाल इस सेंसर की पी पोजीशन है, मैंने इसको सेट कर दिया पी पोजीशन पे, इसकी यहाँ पी पोजीशन है, ठीक है। वो मुझे पता है, जब इंसान काम करता है तो पता रहता है कि कैसे कैसे घूम के कहाँ कहाँ आता है, ठीक है। फिलहाल ये पी पे है। अगर ब्रेक दबाते यहाँ ग्रीन लाइट आ गई तो समझो गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने ब्रेक पुश किया, ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ग्रीन लाइट आ गई है, देख रहे हो गाड़ी भी स्टार्ट हो गई है। मैंने गाड़ी बंद की, ब्रेक पुश किया, यहाँ गाड़ी लाइट पी पे है, गाड़ी यहाँ ग्रीन लाइट आ गई है तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है। गाड़ी बंद करते हैं, ब्रेक पुश किया, यहाँ ग्रीन लाइट है, पहले नहीं आई थी, गाड़ी करते हैं स्टार्ट। ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ओके हो गई है, ठीक है। एक बार मैं वो फिटिंग करके आप लोग दिखा दूँ कि लाइट एन की आई कि नहीं आई, ठीक है। पहले यहाँ लाइट नहीं आती एन की, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार वो भी देख लो, केयर एन काम कर रही है, देखोगा लाइट एन की आ गई है, ठीक है। मैं सारी गाड़ी की फिटिंग कर दी है, गियर एन की आ गई है, इसको एन पर बंद करेंगे और एन पर करेंगे इसको स्टार्ट। गाड़ी बंद की, ठीक है भाई। तो गाड़ी में ये फॉल्ट था, कोई कोड नहीं आ रहा था, कस्टमर ने इसका बहुत खर्चा कर दिया, ये मंगा दिया, सारी खोल लिया जिसके पास पर गाड़ी आई थी, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ओके है, कोई मुश्किल नहीं है। स्टेप बाई स्टेप चेक करना होता है हर चीज़ को। या अल्लाह खुदा हाफिज़।